और आई सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई, और विशेष रूप से आप कल्पना करो कि अंग्रेजों के शासन के अंदर भी वैश्य समाज के लोगों ने आर्थिक रूप से भी, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से भी आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमि बनाई। आजादी के बाद देश के अंदर उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर के अंदर अपनी सेवाएं देकर देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। विश्व समाज संस्कारों से, विचारों से, अपनी कार्य संस्कृति से हमेशा सामाजिक सरोकार करता है। कोई भी संकट हो, कोई भी आपदा हो, उस संकट आपदा के समय भी सहयोग करते हैं, और ये संस्कृति और संस्कार हमारे नहीं हैं, हमारे पूर्वजों ने इसी तरीके से देश के अंदर सामाजिक सेवाओं के अंदर समाज की समर्पण करने के लिए जो भी धन कमाते थे, अभी दक्ष रक्षण पर्व चल रहे हैं जिसमें का अपरिग्रह जो है वह समाज को वापस देना, और इसलिए आप देश के अलग अलग राज्यों में देखोगे तो कहीं आज़ादी के पहले के स्कूल मिलेंगे, महाविद्यालय मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, धर्मशालाएं मिलेगी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम आपको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मिलेंगे। और विशेष रूप से इन सामाजिक काम में तो अग्रणी रहे सही, लेकिन दूर दराज इलाके के अंदर जहां कोई नहीं पहुंचता था, वहां पर उन्होंने व्यापार उद्योग खोलकर वहां के लोगों को रोजगार देने का भी काम किया, और सस्ती दर पर क्वालिटी का माल बेचकर व्यापार करने का काम किया। मैं तो कई बार दंग रह जाता हूँ कि जब दूर दराज के इलाके में जाता हूँ, और अभी तो मेरा एक बहुत इंटीरियर के गांव में मेरे साथ 15-20 साल से मेरे साथ सेवाएं दे रहा है, तो उसकी शादी थी, तो छोटा सा गांव था उसका, तो उस गांव में जब पहुंचा मैं तो उस छोटे से गांव में भी वैश्य समाज के लोग थे। जब असम के अंदर वहां के स्पीकर ने कहा कि हम ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर बहुत इंटीरियर गांव है, तो वहां भी मुझे वैश्य समाज के लोग मिले। नॉर्थ ईस्ट में वहां भी वैश्य समाज के लोग मिले। तो हर जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स में नहीं पड़े कभी। वो अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे, इंडस्ट्रीज करते थे, और कोरोना के बाद में जिस भी इलाके में गया उस इलाके में सामाजिक सेवा के अंदर सबसे अग्रणी परिवार रहे तो दो परिवार रहे। और तो और विदेशों के अंदर भी मैंने देखा, जब वहां की एम्बेसी कार्यक्रम करती थी तो उसमें भी वहां की कल्चर के अंदर एक नयापन देखा कि भारतीय लोगों ने उस वैश्विक आपदा कोरोना के समय, संकट के समय सबसे आगे रहे तो भारतीय लोग रहे। ये हमारे कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा है, जन्म से परिवार में
परिवार के विचार, उसके संस्कार, ये कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए, उस हर आपदा संकट के अंदर वैश्य समाज के लोग सबसे आगे बढ़कर सेवा देते हैं। और ये अपेक्षा सब समाज भी करता है। कहीं 10 परिवार भी होंगे तो कोशिश करेंगे कि एक भवन बन जाए, वो भवन सबके काम आता है। तो ये संस्कार और विचारों के कारण ही प्रतिष्ठा भी मिली है, समाज हमें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है, समाज में सम्मान है। गांव के अंदर 5 परिवार भी हैं तो 5 परिवार का भी सम्मान है। संख्या में कम होने के बाद भी हमें हमारे कार्य व्यवहार में जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कृति दी है,